डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए चल रहे स्किल इंडिया मिशन का फर्क तो दिख रहा है। कितनी खूबसूरत है हमारी ये रंगीन दुनिया, उतनी ही विलक्षण है रंगों की भी दुनिया। वैसे तो रंग बिरंगी चीजों को देखना हम सभी को पसंद है, लेकिन एक कलाकार के लिए रंगों का अपना अलग ही महत्व होता है। कलाकार रंगों को कैनवस पर इस तरह से उतारता है कि वो कहानी का रूप ले लेता है। कलाकार की हर पेंटिंग में एक कहानी छिपी होती है जिसे एक कलाकार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कहानी को कला के जरिए कहने का हुनर रखने वाली एक ऐसी ही कलाकार हैं, मुंबई के रहने वाली मोनिका चांदना। मोनिका को पेंटिंग्स बनाने का शौक बचपन से ही था, लेकिन करियर की भागदौड़ में इनकी कला को इन्हें पीछे छोड़ना पड़ा। इसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग में करियर बनाया, लेकिन इनके अंदर छुपी कला को छुपाकर रखना शायद इनके भी बस की बात ना थी। इसलिए करियर में एक मुकाम बनाने के बाद इन्होंने अपनी कला पर फिर से काम करना शुरू किया। जो विचार इनके अंदर छुपे थे वो उंगलियों और ब्रश के जरिए कैनवास पर उतरने लगे। जो हुनर करियर की भागदौड़ में कहीं छुप सा गया था वो धीरे धीरे निखर कर लोगों के सामने आने लगा। ये इनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज इनकी पेंटिंग्स की डिमांड लोगों के बीच काफी बढ़ गई है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, जो मैंने खुद ही से सीखा है एक्सपेरिमेंट करके। एंड पिछले 4-5 साल से मैं आर्ट कर रही हूँ, और वैसे पेशे से मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। इंटीरियर करती हूँ तो मुझे आर्ट अरेंज करना होता है, किस वॉल के हिसाब से, किस घर के हिसाब से क्या। तो वहीं से मुझे शुरू हुआ कि वाई नॉट मैं खुद ट्राई करूँ और मैं भी आर्ट शुरू करूँ। तो मैंने बनाना शुरू किया और बस वो जर्नी शुरू हो गई एज एन आर्टिस्ट, तो तब से मैं बना रही हूँ। भारत सरकार कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करती रहती है, ताकि ये कलाकार अपनी कला को लोगों तक पहुंचा सकें। इन आयोजनों के जरिए कलाकारों को अपने जैसे दूसरे कलाकारों से भी जुड़ने का मौका मिलता है, जिससे इन्हें अपनी कला को निखारने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही इनके लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होते हैं। गांव और ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे टैलेंट बहुत है, भरा हुआ है टैलेंट। इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं वहाँ पे कि मतलब हम देखें तो हम भी देखते रह जाएं, ऐसे आर्टिस्ट हैं। उन सबको आजकल बहुत अवसर हैं, मौके हैं कि वो अपना आर्ट दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं। बहुत से ऐसे गैलरीज हैं, बहुत से ऐसे संस्थाएँ हैं जो ट्राइब से और विलेजेस से पकड़ती हैं, फोक आर्टिस्ट पकड़ते हैं और उनका काम दिखाते हैं और उनको एक नाम देते हैं और शोहरत और पैसा देते हैं। तो बहुत इट्स नॉट डिफिकल्ट, मतलब कर सकते हैं वो। सरकार का प्रयास है कि हमारे कलाकार अपनी आमदनी को और बढ़ाएं। इस तरह के बिजनेस स्किल को सिखाने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान यानी निस्पट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है। ऑलमोस्ट 6 साल पहले शुरुआत की, और पहले मैंने छोटे छोटे मार्केट्स में ट्राई किया, फ्ली मार्केट्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैंने कुछ एग्जीबिशंस किए और ऑनलाइन एक्सपोजर मिला, इस तरह से मैंने अपनी शुरुआत की। मोनिका चांदना की कोशिश है कि वो इस फील्ड में करियर बनाने वाले युवाओं को गाइड करें, ताकि जिन अवसरों की जानकारी उन्हें नहीं थी वो युवाओं तक पहुंच सके, जिससे उनके करियर में कोई भी बाधा ना आए। घर परिवार और करियर की चुनौतियों का सामना करते हुए मोनिका चांदना ने अपने हुनर को जीवित रखा और आज उसे एक मुकाम तक ले जाने का प्रयास कर रही हैं। वो वाकई में उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो अपने अंदर छुपी कला को निखारने की कोशिश में लगी हुई हैं। ये बात इनकी पेंटिंग्स के जरिए भी पता चलती है, जिसमें ये प्रकृति और नारी सशक्तिकरण को खास तौर पर दिखाती हैं। विमेन फेसेस बनाती हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं, एंड दे स्पीक, वो आपसे बात करती हैं आंखों से। तो बेसिकली वो आपसे कन्वर्स करती हैं, बातें करती हैं अपनी आंखों से और अलग अलग भाव प्रस्तुत करती हैं। हुनर न सिर्फ इंसान को उनके मुकाम तक पहुंचाता है, बल्कि समाज में उसे एक अलग स्थान भी दिलाता है। इसी का सटीक उदाहरण है मोनिका चांदना। रंगों से सजी इनकी दुनिया में आज किसी भी रंग की कमी नहीं है। रंग जब मिलते हैं तो रंगों की एक ऐसी श्रृंखला बनती है जो इतनी खूबसूरत होती है कि हर किसी का मन मोह ले। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं,
या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।